Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. Hello students, once again welcome to all of you. Here is Gaurang sir, and today we are going to study poem 3 of first flight book for class 10th standard. Class 10th mein first flight book se poem number 3. Halaki ye poem 3 hai lekin isme kuch ya test hai. Iska naam hai A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo. Composed by Leslie Norris. Leslie Norris की एक कविता Tiger in the Zoo हम आज पढ़ेंगे. थोड़ा सा जानते हैं इस पोयम के बारे में. इस पोयम में हम A Tiger in the Zoo, चिड़ियाघर में एक बाघ. तो चिड़ियाघर में एक बाघ कैसा होगा, जबकि बाघ होता कहाँ है? फॉरेस्ट में, जंगल में होता है. तो this poem explains about the tiger in the zoo and the tiger in the forest. ये पोयम जो है टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो टाइगर जब जू में होता है तो क्या उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रहती है, और जब फॉरेस्ट में होता है तो उसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया रहती है. तो आइए इस पोयम को देखते हैं स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन के माध्यम से. एक एक स्टेंजा और लाइन बाय लाइन आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे. तो आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर 1. पहला स्टेंजा देखते हैं इस पोयम का, अ टाइगर इन द जू का. He stalks in his vivid strips the few steps on pads of velvet quiet in his quiet rays. ये जो पोयम है राइमिकल पोयम है, राइमिंग वर्ड्स इसमें मिले. जैसे रेज प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं स्टूडेंट्स. तो केज और रेज जो है ये राइमिंग वर्ड्स हैं. देखते हैं टाइगर चिड़ियाघर में एक बाघ, चिड़ियाघर में एक टाइगर, जू में एक टाइगर किस स्थिति में होता इसका है यहाँ एक्सप्लेनेशन जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने किया कि एक बाघ जो है पिंजरे में है, और बाघ टाइगर का जो लुक होता है आप जानते होंगे कि उसके शरीर पर जो धारियां होती हैं वो चमकीली होती हैं. तो ही स्टॉक्स इन हिज स्ट्रिप्स, वह स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स होता है शान के साथ चलना, शान से चलना, अपने शरीर के ऊपर बनी हुई धारियों को दिखाते हुए शान से चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ स्टेप ही चल पाता, क्योंकि पिंजरे का एक निश्चित दायरा होगा 10 फीट का, 12 फीट का, 20 फीट का, तो उसमें ही कुछ कदम ही आगे पीछे चल पाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड, पैड मिस होता है जानते हैं तलवा, तो वेलवेट क्वाइट अर्थात उसके पैरों का जो तलवा होता है वो बिल्कुल वेलवेट यानी कि गद्देदार होता है, मुलायम और गद्देदार पैरों पर कि पिंजरे में आगे पीछे चल पाता है. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, रेज जो वर्ड है आर ए जी ई, रेज मिस होता है क्रोध, अर्थात अब यहां लगाया क्वाइट रोज, क्रोधित तो दिखता है, क्रोधित शांत. अब यहां आपको बता दें कि ये क्वाइट रेज जो है क्रोधित भी है और शांत भी है, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे फ्रेज को हम फिगर ऑफ स्पीच की भाषा में, अलंकार की भाषा में भी अगर यहां जाने तो और बेहतर होगा. ये जो लाइन है इन हिज क्वाइट रेज, इसमें ऑक्सीमोरन है. ऑक्सीमोरन नामक एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार कहते हैं. जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश में भी अलंकार है, इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं, ऑक्सीमोरन बोलते हैं उसको. इन हिज क्वाइट रेज, वह क्रोधित तो दिखता है लेकिन फिर भी शांत रहता है. क्यों? क्योंकि वह पिंजरे में बंद है. दूसरा स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास. इसमें ग्रास और पास राइमिंग वर्ड है. तो यहां जो पोएट हैं वो जंगल में रहने वाले टाइगर की बात करते हैं. वो तो टाइगर का नॉर्मल कंडीशन दिखाया कि उसके शरीर पे धारियां होती हैं, गद्दीदार होता है, और जब वो पिंजरे में होता है तो कुछ स्टेप ही वो आगे पीछे चल पाता है. अगले स्टेंजा में बताते हैं कि कभी अगर कि टाइगर अगर जू में ना हो के फॉरेस्ट में हो, जंगल में हो, तो क्या करते हैं. वो बताते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. जो लर्किंग वर्ड आया है आपके लिए, लर्किंग एल यू आर के आई एन जी, लर्किंग मीन्स होता है छुपके से घात लगाए हुए बैठना. तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे
छाए में घात लगाकर बैठे रहना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और किसी लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घासों के बीच में स्लाइडिंग सरकना चाहिए, सरकेगा। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब हुआ कि पानी का जो जगह है जहां पानी का स्रोत है उसके किनारे, जैसे जलाशय नदियां जंगलों के बीच से जो गुजरती हैं उनके किनारे बड़ी बड़ी घास होती है, उन घासों में चुपके से घात लगाए हुए बैठा होना चाहिए, ताकि नियर द वाटर होल्स वेयर द प्लम्प डियर पास, ताकि जहां प्लम्प डियर, प्लम्प मिस होता है स्वस्थ, मोटे ताजे, अर्थात बिल्कुल स्वस्थ जो है हिरन, अच्छे खासे देखने में हिरन जो स्वस्थ हों, मोटे ताजे हिरन पास जहां से गुजरते हों, तो जब पानी पीने के लिए ऐसे हिरन या अन्य कोई जानवर गुजरेगा और बड़ी घास के बीच में टाइगर घात लगाए बैठा होगा तो आसानी से वह वहां अपने शिकार को कर सकता है। तो ये जो स्टेंजा है इसमें पोएट जंगल वाले टाइगर की बात करते हैं कि उसे जल के स्रोत के किनारे बड़ी बड़ी घासों के बीच में घात लगाए बैठे रहना चाहिए, ताकि वहां से गुजरने वाले मोटे ताजे हिरणों का वो शिकार कर पाए। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस, जंगल के साथ साथ, ऐसा नहीं कि टाइगर केवल जंगल में हो, टाइगर का मनुष्य के साथ भी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कैसा हो, मनुष्य के अंदर भय या मनुष्य के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसको भी बताते हैं पोएट। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस, स्नेर मिस होता है क्या, दहाड़ना, उसे दहाड़ना चाहिए अराउंड द हाउस, घरों के चारों ओर, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे जो रहने की बस्तियां होती हैं, जो गांव होते हैं उधर घर के किनारे तक जा करके उधर भी दहाड़ना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेररिज़िंग द विलेज, बेयरिंग मिस होता है दिखाना, हिज वाइट फैंग्स, फैंग मिस जानते हैं क्या होता है, सफेद रंग के फैंग्स दांत, हिज क्लास, क्लाज मिस होता है पंजा, तो अपने सफेद सफेद दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए टेररिज़िंग द विलेज, अर्थात गांव वालों को, गांव के लोगों को आतंकित, अर्थात टेरर भय उनके अंदर जो है भयभीत करना, उनको आतंकित करने का काम करना चाहिए। अर्थात टाइगर जो है उसको पोएट बताते हैं कि जंगल से बाहर निकलकर आसपास के गांव में भी जाना चाहिए, जहां उसको अपने बड़े बड़े नुकीले दांत और पंजों को दिखा करके गांव वालों की भयभीत रखना चाहिए। अगला स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन ये जंगल में रहने वाला जो बाघ है, टाइगर है, वो लॉक्ड है, बंद है कंक्रीट सेल में। कंक्रीट सेल का मतलब कंक्रीट की बनी हुई मजबूत कोठरी में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसका जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो पावर है, वो बिहाइंड बार्स, उस सलाखों के पीछे बंद है, उस बंद कंक्रीट की मजबूत कोठरी में बंद है, उसका पूरा पावर वहीं तक सीमित है, आप उसके बाहर पहुंच जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएगा। करा कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, पिजरे के लंबाई अंदर ही, पिजरे के अंदर ही वह स्टॉकिंग चलता रहता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, आने वाले लोगों को इग्नोर करते, उनकी परवाह नहीं करता, उनकी ओर ध्यान नहीं देता, उनको बिना किसी ध्यान दे परवाह किए हुए वह उस केज में, वह उस पिंजरे में, वह कंक्रीट के सेल में आगे पीछे चलता रहता है, उससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ जो हैं क्या हो गई हैं, उस कंक्रीट सेल में क्या है, बिहाइंड है, उसके अंदर ही उनको बंद कर दिया गया है। He hears the last voice at night, the patrolling cars. पिंजरे में बंद जो बाघ है, टाइगर है, hears, सुनता है the last voice at night, रात को patrolling cars, patrolling में सोता है घूमती हुई, गश्त करती हुई, रात को गश्त करती हुई घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है, and stares, stare में घूरना होता है,
और घूरता है विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपने चमकीले आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को, अर्थात रात्रि के समय में जब पिंजरे में बंद बाघ के आसपास से कोई घूमती हुई पेट्रोलिंग कार गुजरती है तो वो अपने चमकीले आंखों से घूरते हुए उनको देखता है, लेकिन अफसोस कि वो पिंजरे में बंद है तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, अ टाइगर इन द जू जो पोयम है, इसमें हमने देखा कि अगर वो जो टाइगर है वो जू में रहेगा तो कैसा बिहेव करेगा, और अगर फॉरेस्ट में रहेगा तो कैसा बिहेव करेगा। तो कहीं ना कहीं पोएट लेस्ली नॉरिस ये कहते हैं कि टाइगर को स्वतंत्र होना चाहिए, उसे पिंजरे में बांध के पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, ताकि वो अपना अपने अनुसार अपना जीवन, उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। यहाँ दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि द पोएम, द पोएम इज कंट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। और जंगल में बाघ, चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ में अंतर बताता है ये कविता, हमको चिड़ियाघर में पुनः वापस ले जाता है। बाघ टाइगर आपको अगर वास्तव में टाइगर देखना है, चिड़ियाघर का टाइगर देखना है, फॉरेस्ट का टाइगर देखना है, तो अगर आप फॉरेस्ट का टाइगर देखना चाहते हैं आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में जाना चाहिए, वहाँ आपको देख सकते हैं, आपको जंगल सफारी करना पड़ेगा। और अगर आप जू का टाइगर देखना चाहते हैं तो आप एक दिन का प्लान आउट करिए और गोरखपुर में चिड़ियाघर बन के तैयार है, आप वहाँ जाके चिड़ियाघर देख सकते हैं, वहाँ आपको टाइगर बिल्कुल नज़दीक से देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया होगा, इसके सेंट्रल आइडिया के लिए आपको अलग से वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, गुड बाय।